हेलो मित्रों, तो आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत है। और आज है आपका 4 जुलाई। 4 जुलाई को मैं आया हूं और 7 जुलाई को मोदी जी आने वाले हैं। हर हर महादेव। तो आइए चलते हैं, आपको पूरा वीडियो दिखाते हैं। और रैंप में देख सकते हैं आपका इधर रेलिंग भी लग गया है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। और 7 तारीख को आएंगे भाई वो, तो कुछ तैयारियाँ भी तो हो रही होंगी ना, तो पूरा वीडियो को देखना ही बहुत जरूरी है आप सभी के लिए। तो आइए चलते हैं, दिखाते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। और लाइक इसलिए करें कि अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तभी। जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी मैं एकदम रैंप में आ चुका हूं और रैंप का आप नजारा देख सकते हैं मित्रों। तो ये कैसा लग रहा है मुझे आज खुद भी बहुत अच्छा लग रहा है। अगर मैं यहाँ पे आया हूँ तो मैं अगर अपनी बात करूँ तो मुझे खुद ही अच्छा लग रहा है। ठीक है, मुझे आज ये खुद ही अच्छा लग रहा है। तो यहाँ से पहली बात तो आपको गंगा माँ का दृश्य दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से गंगा माँ का आप दृश्य देख लीजिए। ये पूरा आप गंगा माँ का यहाँ से नज़ारा देख सकते हैं। और जब ये आप रैंप से नीचे से जब ऊपर की तरफ आएंगे तो ये आप देख पाएंगे। और जैसा कि ये रेलिंग मतलब लगा दिया गया है जबरदस्त तरीके से, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा। अभी मैं परसों आया था, मतलब 2 जुलाई को आया था, तो ये नहीं लगा हुआ था, लेकिन आज लगा दिया गया है भाइयों। आज ये लगा दिया गया है, जो कि बहुत अच्छा काम किया गया है। और मैं इसी का वेट कर रहा था, तो थोड़ा चलते हैं नीचे की तरफ और नीचे में जो काम हुआ है वो भी दिखाते हैं। जो हर दिन आया करता था तो यहाँ पे पोल लगा रहता था, आज वो पोल भी हट चुका है। और यहाँ से आप देख सकते हैं मणिकर्णिका घाट का दृश्य और नजारा। ये है मणिकर्णिका घाट, और मणिकर्णिका घाट आप रैंप से भी देख सकते हैं। ये देखिए पूरा आप मणिकर्णिका घाट का नजारा देख सकते हैं। तो आइए चलते थोड़ा सा नीचे, और नीचे जा करके आपको जो रैंप का कार्य जो हुआ है उसका दर्शन कराते हैं। भाइयों, अब मैं जा रहा हूँ रैंप के धीरे धीरे नीचे। और जैसा कि आप देख सकते हैं भाइयों, तो आपका ये पूरा अब बन के तैयार हो चुका है, सिर्फ काम बाकी है। तो ये मतलब ये जो आपका रेलिंग लगाया गया, इसे रेलिंग ही बोलते हैं ना। देखिए थोड़ी बहुत ना उससे मिस्टेक हो जाती है, तो उसके लिए अपने भाई को माफ कर दिया कीजिए, ठीक है। तो ये देखिए जो लगाया गया है, ऐसे ही नीचे भी अभी लगाना बाकी है, और लगभग सब काम जो है कि आपका कंप्लीट हो गया है। काम इनको और अच्छा कर देना चाहिए। ये जो दीवाले है ना, इस पे देखिए, ये इस पे वाइट कलर का जो वाइट वाला मारते हैं, वाइट पुट्टी मारते हैं, मतलब ये कोट मारा गया है। तो जब डबल कोट हो जाएगा ना भाई, तो एकदम जबरदस्त लगेगा। मतलब इतना बड़ा रैंप बन रहा है, तो उसके हिसाब से आपकी चीजें तो लगनी चाहिए ना। मतलब जैसे आप पुट्टी मार रहे हो तो डबल कोट मार दोगे तो ज्यादा बेटर लगेगा। अगर मैं सही कह रहा हूँ तो आप बोले कि हाँ। जैसा कि देखिए, मैं वहां से ऊपर से उतार करके धीरे 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 यहाँ से अब नीचे पहुंचने वाला हूँ। तो देखिए इधर का भी जो काम है वो कम्प्लीट हो चुका है। और जैसा कि मैं रोज बोलता था कि भाई पिलर है, पिलर है, पिलर है। देखिए पिलर का जो अंदर का जो 3 यहाँ पे पिलर बनाई गई है, एक पिलर ये है, एक पिलर वो है, और एक पिलर लास्ट में वहां पे है। तो इस प्रकार से ये कुल 3 पिलर हो गई इस रैम के अंदर। तो पिलर का जो बीच वाला मिडल वाला पोर्शन है वो मैं आपको दिखाने का प्रयास। जैसा कि आप देखिए, अब मिडल वाले पोर्शन पे आया हूँ, तो यहाँ से भी आप गंगा माँ का दर्शन कर सकते हैं। देखिए प्यारे डॉग्स यहाँ बैठे हुए हैं, और अगर इनको आप चोट नहीं पहुंचाएंगे तो ये आपको भी चोट नहीं पहुंचाएंगे। तो जानवरों से प्यार करें, इनको इज्जत दें, इनको सम्मान दें, ये बहुत ही प्यारे होते हैं। अगर इनको आप 2 बिस्कुट दे देंगे ना तो आपके पास तुरंत क्लोज आ जाएंगे। तो आइए कुछ और भी दिखाते हैं आपको। जैसा कि आप यहाँ से, आज फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे आया हूँ और यहाँ से आपको गंगा माँ का नजारा, गंगा माँ का दृश्य दिखा रहा हूँ। कैसा लग रहा है मित्रों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसे नीचे भी उतर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ से नीचे नहीं उतरना चाहूंगा। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा रैंप का जो कार्य है वो दिखा देता हूँ। देखिए अब ये जो पोल लगाई गई है, सिर्फ यहाँ पे अब जो फिनिशिंग की काम बाकी है। 7 तारीख को आ रहे हैं, मतलब कि
3 दिन मतलब 2 दिन या 3 दिन के अंदर अंदर इस पूरे काम को निपटाना है, मतलब क्लियर करना है। तो आइए चलते हैं थोड़ा सा और नीचे और भी थोड़ा सा आपको नजारा दिखा। तो अब जा रहे हैं रैंप के सबसे निचले वाले हिस्से पर और वहां जाकर के आपको और भी जो काम थोड़ा बहुत बाकी रह गया है उसको दिखाने का प्रयास करते हैं। आइए चलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ बस एक लाइट अभी भी जल रही है क्योंकि भाई रैंप जो है अभी अंधेरा है, ठीक है। देखिए इस पे पूरा ग्रेनाइट लग चुका है, तो अब धीरे से नीचे उतर जाएंगे भाइयों और पूरा दिखाने का प्रयास आपको करेंगे। देखिए अभी देखिए थोड़ा थोड़ा काम इधर बाकी है, यही थोड़ा बहुत काम बाकी रह गया है। और इधर देखिए पुट्टी जैसे इस पे मारना होगा, ठीक है। उधर किनारे किनारे रेलिंग्स जो लोहे की लगती हैं वो लगानी बाकी होंगी, तो यही सब थोड़ा बहुत काम बाकी रह गया है। और पूरी तरीके से काम को बहुत तेजी से किया जा रहा है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सारी सामग्री जो चीजें हैं जो यूज होती हैं वो सारी के सारी रखी हुई हैं। और जब मैं स्टार्टिंग में आपको वीडियो दिखाया करता था लगभग आग से कुछ महीने पहले, तो यहाँ से पानी पूरा जो है कि बहता रहता था। अब लेकिन ये एकदम पूरा क्लियर हो चुका है, एकदम साफ हो चुका है जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो आपको दृश्य आपको दिखा रहा हूँ, तो ये आपका एकदम नीचे वाला पोर्शन है जो कि यहाँ पे भी काम एकदम तगड़े तरीके से किया जा रहा है। अब देखिए सिर्फ इतना काम बाकी रह गया है और यही काम जो है कि कंप्लीट करना बाकी रह गया है। देखिए ये वॉल है और इधर की वॉल है, बस यही थोड़ी सी काम बाकी है और पूरा का पूरा काम हो चुका है। मित्रों आइए बढ़ते हैं आगे की तरफ, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए क्यों जाली इसमें लगा दिया गया है, सोचिए इतना मजबूती से बनाया जा रहा है कि जाली भी लगाया जा रहा है। देख रहे हैं ये दीवारों पे जाली भी लगाया जा रहा है, बहुत बड़ी मजबूती के साथ देखिए बनाया जा रहा है, इतना इसको मजबूत बनाया जा रहा है कि हम जितना इसको एक्सप्लेन करें उतना कम होगा। देख रहे यहाँ पे देखिए जाली लगाया गया है, जाली के बाद उसके ऊपर यहाँ पे जो है कि सीमेंट जो है कि लगाया जा रहा है। उसके पहले तो ये जाल मान लीजिए आपका दीवार रहा होगा, उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं मतलब मजबूती से काम हो रहा है भाई, तगड़ा वाला। अब देखिये यहाँ पे जो सरफेस है तो भी काम चल रहा है, थोड़ा बहुत पानी यहाँ पे है। अब सिर्फ देखिए यही काम बाकी रह गया है जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा, तो आइए चलते हैं आगे की तरफ। मित्रों स्टार्टिंग में मैं यहीं पे वीडियो आपको दिखाता था, आपको शायद याद भी होगा, मैं करण कुमार गुप्ता हूँ, मेरा नाम करण कुमार गुप्ता है भाई। मेरे चैनल का नाम चाणक्य नीति 333 है, बट मेरा नाम करण कुमार गुप्ता है। जैसा कि आप देख सकते हैं अब ये लास्ट इधर मैं आ चुका हूँ, एकदम घाट पे निकलने वाला हूँ मैं। तो स्टार्ट कहाँ से किया था, ऊपर से किया था और नीचे आ चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आप ऊपर भी जा सकते हैं और ऊपर से आप नीचे भी आ सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं रैंप के बाहर आ चुका हूँ और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो ये देखिए बहुत थोड़ा बहुत काम यहाँ पर आ गया, अब लगता है ग्रेनाइट इस पे बिछाई जा चुकी है शायद, ठीक है। तो ये बहुत थोड़ा बहुत और काम बाकी रह गया, उसके बाद ये पूरा काम कंप्लीट हो चुका है और 3 दिन में इनको कंप्लीट भी देना होगा क्योंकि मोदी जी 7 जुलाई को आ रहे हैं। और यहाँ से आप गंगा माँ का दृश्य देख सकते हैं और यहाँ से पूरा मतलब मलबा भी हटाया जा चुका है। तो आइए बढ़ते आगे और आगे का दृश्य आपको नजारा जो है वो दिखाते हैं। और यहाँ से आप जो है कि पूरा रैंप का दृश्य और नजारा देख सकते हैं पूरा बाहर से, तो बाहर से पूरा ये कंप्लीट हो चुका है और यहाँ सामने का जो दृश्य है वो भी आप देख सकते हैं। तो 7 जुलाई को जो है कि पीएम मोदी आने वाले हैं, उसकी वजह से पूरा अब काम कंप्लीट हो चुका है, घाटों का काम हो गया, चाहे रैम का काम हो गया, चाहे कॉरिडोर का जो काम हो गया, वो सारा फेज 2 का काम लगभग पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो आइए चलते हैं आगे की तरफ और आगे का भी दृश्य आपको दिखाते हैं। और जैसा कि आपको दिख रहा होगा ये जो यहाँ पे ये सब होल इसमें है, ये रात के समय ये सारे के सारे जलते हैं, 6 बजे जब शाम आपका होता है तो उस टाइम में सारा ये जलना स्टार्ट हो जाता है और ये जो नज़ारा है वो और भी खूबसूरत लगता है। और देखिए ये जो लाइट्स हैं ये भी रात को जलती हैं, ये बजाज कंपनी की लगाई गई लाइट है और ये इटालियन लाइट्स है। ये लगभग कुल 5 लाइट इधर है
और एक लाइट जो है कि अंदर लगाया हुआ है। तो आइए चलते हैं कॉरिडोर में। जैसा कि आप यहां से भी देख सकते हैं जो नजारा लग रहा है इस ऊंचाई से, वहां से लोग उस जेटी से या फिर रैंप से बोल सकते हैं आप, वहां से लोग स्नान कर रहे हैं। मतलब स्नान करने के बाद आपका सीढ़ियों के माध्यम से, सीढ़ियां जो बनी हुई हैं इन सीढ़ियों के माध्यम से बाबा का दर्शन करने के लिए कॉरिडोर में जा रहे हैं। और इसका नाम है गेटवे ऑफ कॉरिडोर या फिर गंगा द्वार, ठीक है। तो आप जैसा कि अब देख पा रहे होंगे इन घाटों पे भी अब नाव लगनी लगी हैं। तो अब यहाँ पे बहुत ही अच्छा उन भाई बंधु के लिए भी है जो यहाँ पे नाव चलाते थे, और उनके लिए भी है जो नाव से घूमना चाहते थे, क्योंकि अब डायरेक्टली जो नाव है इन घाटों पे लग जाएगी और जो भाई बंधु हो वो डायरेक्टली यहाँ पे उतर के बाबा का दर्शन कर पाएंगे। और यहाँ से आप ललिता घाट भी देख लीजिए, तो ललिता घाट के ऊपर वाले साइड पे काम चल रहा है। तो कुछ कुछ मेरे भाई बंधु वहाँ पे जाके वीडियो बना ले रहे हैं, लेकिन वहाँ पे न जाना पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है, तो इसलिए मैं नहीं जा पा रहा हूँ उधर। लेकिन जिस दिन उधर अलाउ कर दिया जाएगा तो मैं इधर जाऊंगा, वीडियो बनाऊंगा। अब देखिए यहाँ पे इस हॉल में आपका एक लाइन से इधर और इधर लाइट लगाया गया है और बीचों बीच फैन लगाया गया है। तो मोदी जी जब आएंगे इन चीज़ों को देखेंगे तो उनको जरूर ही अच्छा लगेगा, क्योंकि कॉरिडोर का उनका और योगी जी का मेन रोल रहा है बनवाने में। देख सकते हैं आप नज़ारा यहाँ से, क्या खूबसूरत नज़ारा है। तो आइए चलते हैं थोड़ा सा कॉरिडोर में और कॉरिडोर का जो दर्शन है वो आप सभी को कराते हैं। आज मैं फिर इधर आया हूँ श्री अमितेश्वर महादेव मंदिर की तरफ, और इस मंदिर को भी बस ऐसे स्टील कलर का, मतलब स्टील का जो है कि नहीं बनवाना चाहिए था इसको भी, मतलब आपका मंदिर पत्थर का होना चाहिए था। अगर मैं सही कह रहा हूँ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और मैं एक चीज़ और चाहता हूँ, मेरे जो मन में चलता है मैं वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि जो ये गलियों में जो मंदिरें हैं किसी भी प्रकार से, चाहे जैसे भी, गवर्नमेंट को इन मंदिरों पे भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एक हमारे लिए खुशी की बात है कि हमें ये मंदिर मिले हुए हैं और इन मंदिरों का देख रेख नहीं किया जा रहा। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो इन मंदिरों के ऊपर पानी का डब्बा फेंका गया है। इससे बड़ा गंदा काम मुझे नहीं लगता कि कुछ हो सकता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी जो मंदिरों का रख रखाव है, कुछ कुछ मंदिरों का रख रखाव ठीक है लेकिन कुछ कुछ मंदिरों का नहीं। यहाँ देखिए कुछ लाइट्स पहले, मतलब जो लगाई गई थी उनमें से कुछ लाइट यहाँ पे, एक लाइट सिर्फ जल रहा है और तीनों लाइट बंद है। खराब हो गया क्या? तो आइए चलते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ और आगे का भी दृश्य आपको दिखाते हैं। मैं कॉरिडोर में बहुत जगह देख रहा हूँ भाई बंधु कि आप लोग यार आते हैं तो ऐसे ही थूक देते हैं, या फिर जो भी लोग यार कहीं भी आप लोग जाते हैं तो ऐसा कुकर्म ना करें, ठीक है। क्योंकि हमारी ये धरोहर है, हमारे यहाँ ये एक भगवान का मंदिर है, और हम ही अगर ऐसा काम करते हैं तो फिर हम नहीं समझते कि हम दर्शन करने आ रहे हैं, हम पाप कर रहे हैं। हम उस कॉरिडोर में जा करके बाबा का दर्शन भी कर रहे हैं और बगल में कहीं जाकर पान में गुटखा खा करके थूक दे रहे हैं। हम ये सबके लिए नहीं कह रहे, हम सिर्फ उनके लिए कह रहे हैं जो इस तरीके का वर्क करते हैं। मैं सबके लिए इन वर्ड मैं यूज नहीं कर रहा हूँ। तकलीफ होता है यार भाई, मन में तकलीफ होता है। एक तरफ सरकार चाहती है कि मंदिर हमारे जो प्राचीन जो धरोहर है उसको अच्छा किया जाए, और हम ही लोग ऐसे हैं जो इस तरह के कार्य कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, ये भी देखिए महादेव की मंदिर है, और पूरे कॉरिडोर में इस प्रकार के डस्टबिन, इतना बढ़िया बढ़िया मेटल की डस्टबिन लगाई गई है, उसके बावजूद जब इस प्रकार के वर्क हो रहे हैं तो क्या ही कहना। जैसा कि आप देख सकते हैं ये भी मंदिर प्राचीन है, और प्राचीन मंदिर की जो पत्थरे हैं उनको बदली गई हैं, पत्थर जो है उसको बदली गई हैं। एक हाक वर्ड मुझसे गलत हो जाता है उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगा। ये देखिए वैद्य नाथ भवन है और ये बहुत बड़ा भवन बनाया गया है। अगर आप महादेव का दर्शन करना चाहें तो कर सकते हैं यहाँ से। और देखिए यहाँ भी इनका ही मंदिर पूरा ये कम्प्लीट है, ठीक है। लेकिन ये बांस बहुत दिनों से लगाया हुआ है, देखिए कब तक। और यहाँ से आप जा देख सकते हैं जो लोग बाबा का दर्शन करने के लिए लाइन में लगे हुए हैं, अंदर के अभी हमें जा रहे हैं। और वहाँ पर एक कूलर भी लगाया गया है, एक बड़ा सा कूलर लगाया गया है जो कि एक अच्छा काम किया गया है। तो आइए चलते हैं बाहर की तरफ, और ये देख सकते हैं हमारी माँ, आप सभी की माँ अहिल्या बाई होलकर जी हैं, और इनके ठीक सामने
वहाँ पे जो अभी कुछ दिन पहले वहीं पे इलेक्ट्रिक बिजली गिरी हुई थी, मतलब आकाशीय बिजली कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक बिजली नहीं आकाशीय बिजली। हाँ तो मित्रों एक बात और बता दूँ आपको कि जब भी आप दर्शन करने आए तो पीछे हमारे महादेव त्रिशंध्य विनायक जी हैं और त्रिशंध्येश्वर महादेव जी की मंदिर ये है, और बगल में एक और गणेश जी हैं और इन्हें बोलते हैं गणेश जी हैं आप, जो कि यहाँ पे इनका दर्शन। हेलो मित्रों, तो जब भी आप काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में आएँ तो यहाँ पे देखिए त्रिशिद्धि विनायक गणेश जी हैं और उनके पीछे त्रिशंध्येश्वर महादेव मंदिर है और इनकी यात्रा पचकोशी यात्रा में भी की जाती है, तो आप इनका भी दर्शन जरूर करें और ज़रूरी भी है जब आ ही रहे हैं। तो ये भारत माता के मंदिर के जस्ट बगल से एक सीढ़ी यहाँ से आती है और यहीं पे ये मंदिर महादेव की और गणेश जी की आपकी है। और इधर साइड में देख सकते हैं ये भी किसी एक भगवान की मंदिर है, और ये कौन से भगवान की मंदिर है मुझे तो अभी पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन इधर साइड में देखिए 5 और ऐसे छोटे छोटे मंदिर बनाए गए हैं। तो आइए चलते हैं आगे की तरफ और आगे का जो दृश्य और जो नज़ारा है वो वीडियो के माध्यम से आपको दिखाने और बतलाने का प्रयास करते हैं। ये देखिए महाराज हैं जो यहाँ के पुजारी हैं, ये पर्डे जो है कि अपना बाबा के सेवा में लगे होते हैं, बाबा के सेवा में पर्डे लगे होते हैं और बहुत ही प्यारे बहुत स्वीट है ये। देखिए बाबा ये भी कहना चाहते हैं कि जो मंदिर त्रिशंध्य विनायक जी का है और जस्ट बगल में आप पीछे आपके साइड में त्रिशंध्येश्वर महादेव जी का मंदिर है, तो सारी तो मंदिरें बन चुकी है लेकिन अभी ये मंदिर नहीं बनाई गई है, तो बाबा कहीं ना कहीं उससे दुखी हैं कि सारी मंदिरें तो बन गई और रोज हमसे कहा जा रहा है कि मंदिर बनाया जाएगा मंदिर बनाया जाएगा, लेकिन इनकी मंदिर नहीं बन रही है, जो कि बाबा के आप मुख से खुद भी सुन सकते हैं। तो भाई वो कम से कम लोग शासन प्रशासन से भी पूछे क्या कि जब सब बन रहा है या बन गया है तो उनके बनने में कितनी देरी है, कम से कम उन लोगों के पूछने से तो थोड़ा सा बात दूसरी हो जाएगी ना कि भाई क्यों नहीं बन रहा है। हाँ तो क्यों नहीं बन रहा है वो पूछें, हम तो रोज पूछ रहे हैं साहब, जब आते हैं जब भेंट होता है बन जाएगा पंडित जी आपका, बनेगा बनेगा बहुत बढ़िया बनेगा। अरे कब बनेगा, जब हम नहीं रहेंगे तब बनेगा, हम तो बोले नहीं रहेंगे तो ऊपर से देख करके प्रसन्नता होगी क्योंकि इस स्थान का से हमको इतना लगाव है कि अगर यहाँ से हम हर जाएं जीते जी तो समझ लीजिए कि एक मृत शरीर पृथ्वी पर घूम रहा है, हमारी ये कंडीशन हो जाएगी। नहीं बाबा आपको कौन हटाएगा, आप तो बहुत स्वीट है, इतने प्यारे हैं कि भगवान भी आपसे जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये तो उन्हीं की माया है और हम कहते हैं कि आखिरी सांस जिस समय जाए उस समय भी हम आपकी सेवा में लगे हैं, बस यही चाहते हैं, बाकी और बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए बाबा वीडियो में डाल दिए हैं, लोग अपना प्रशासन जिस प्रकार से देखिए क्या होता है, मैं इस चीज को लेकर बहुत काफी चिंतित हूँ और बाबा भी चिंतित है क्योंकि ये मंदिर बनना चाहिए और बाबा यहाँ के बहुत ही पुराने पुजारी हैं और इनकी जो पीढ़ियाँ हैं, बाबा आपकी पीढ़ियाँ भी यहीं पर रही हैं, तो ये बाबा का जो बाबा इनसे बहुत काफ़ी जुड़े हुए हैं, तो जिस प्रकार सारी मंदिर बन गई ये भी मंदिर बन जाए तो बाबा की समस्या है कम से कम दूर हो जाएगी। शासन प्रशासन से आप लोग पूछिए कि आखिर क्यों नहीं बन रहा है, इतना बन गया पूरा कॉरिडोर लगभग पूरा हो रहा है। तो बाबा कहना ये है कि जिस प्रकार पूरा कॉरिडोर बन गया ये भी मंदिर बनाया जाए, बस यही कहना है। हम भी यही, हम तो आते हैं तो हम तो पूछते हैं लेकिन वो कहते हैं बन जाएगा, हम तो ठीक है साहब बन जाएगा, और हम लोग को क्या बनवाना, तो उनको है हमको नहीं बनवाना है, हमको बनवाना रहेगा तो आप लोगों से सभी लोगों से मांग करके हम बनवाए इसे और फिर मांग करके बनवाएंगे अगर बसते कि वो कह दें। नहीं नहीं बाबा बनवाएंगे, थोड़ा सा देखिए देखिए कब तक बनवाते हैं वो लोग। हम नहीं बनवाएंगे आप बनवा लीजिए, जहाँ वो बोले नहीं है हमको तहाँ हम पब्लिक से भीख मांग मांग करके बनवा दे। नहीं नहीं बाबा ऐसा मत बोलिए, हम देख सकते हैं आप यहाँ पे जो कुछ प्लांट्स हैं उनको देख सकते हैं आप, बहुत ही प्यारी प्यारी प्लांट्स यहाँ पे, प्यारे प्यारे प्लांट्स हैं, जब बड़ा हो जाएगा देखिए एक पौधा सूख गया है, गर्मी इतनी थी कि इसकी वजह से सूख गया है। देखिए यहाँ भी डस्टबिन है, हर जगह डस्टबिन है मेरे भाई, तो आप जब भी आए कॉरिडोर में साफ सफाइयाँ रखें यार। अब देखिए मैं यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ आ गया, यहाँ पर देखिए आपका श्री पशुपतिनाथ जी महाराज का टेम्पल, इधर साइड से पशुपतिनाथ महाराज जी के टेम्पल में चले जाएंगे आप, और यहीं से मैं नीचे की तरफ उतर जाऊंगा और वहाँ से ललिता घाट का आपको दर्शन कराता हूँ। देखिए ललिता घाट ये काम चल रहा है और भैया यहाँ पे आराम फरमा रहे हैं। क्या भैया? तो
तो क्या वही काम कर रहे हैं का ये वाला लाइट वाला? नहीं लाइट वाला नहीं, टाइल्स वाला। टाइल्स वाला काम आप कर रहे हैं? तो अभी देखिए उतना ही यहाँ पे काम है, अभी कुछ काम इधर साइड में तो बदलाव नहीं हुआ है। अब देखिए ये इन पत्थरों के किनारे किनारे क्या लगाया जाता है, और देखिए यहाँ पे वायर वाली जो है कि पाइप लगाई गई है, नया काम हुआ इधर साइड में। और सामने उधर साइड में देख सकते हैं ललिता घाट पे मैं भी खड़ा हूँ, तो ललिता घाट का ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, हिस्सा है, तो ये पत्थर लगाई गई हैं जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा। और ललिता घाट अभी कुछ खास ऐसा बदलाव दिख नहीं रहा है, तो आइए चलते हैं नीचे की तरफ और नीचे का दृश्य आपको दिखाते हैं। तो मित्रों ये देखिए आप सभी का ललिता घाट की, ललिता घाट का नज़ारा। तो मित्रों ये देख सकते हैं आप ललिता घाट है, और ललिता घाट का आप नज़ारा देख सकते हैं यहाँ से, जो आपको मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। और ये है सामने का दृश्य गंगा माँ, जहाँ आपको दिखाई दे रही होंगी। तो अभी कुछ इतना खास मुझे दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ बदलाव, दो दिन के अंदर में जो था वही है, और जैसा भी जो कुछ भी चेंज होगा तो वीडियो के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव। अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, जानवरों को प्यार दें, सम्मान दें, इज्जत दें। हर हर महादेव।